हेलो दोस्तों, माय नेम इज अमर छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी लाइफ। तो नॉर्मली जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरा जो पुराना वीडियोस है वो अगर आप लोगों को देखना है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हो, और पसंद आया तो उसमें लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये बेसिकली आज का जो वीडियो है, ये वीडियो मैं बनाया हूँ कि आप मर्चेंट नेवी लाइफ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ईगर है इस लाइन पे ज्वाइन करने के लिए, मर्चेंट नेवी लाइन पे, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी नॉलेजेबल है। जो स्टूडेंट क्लास 12 अपेयर कर चुके हैं और जो लोग ऑलरेडी क्लास 12 दे चुके हैं, तो वो अपना जो कैरियर है इस मर्चेंट नेवी लाइफ में स्टार्ट करना चाहते हो एज ए डेक ऑफिसर, तो इस वीडियो से आप लोगों को पूरी गाइडलाइंस मिल जाएगी कि आप लोग ऐसे डेक ऑफिसर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मर्चेंट नेवी में। तो बेसिकली इस वीडियो को मैंने यही कवरेज किया है, इसमें नॉर्मली मैंने डेक कवरेज किया है क्योंकि मैं ऐसे डेक ऑफिसर हूं, और इस वीडियो के बनाने के चक्कर में बॉस मैं आज सोया भी नहीं हूं। तो नॉर्मली मैंने सोचा कि इस वीडियो को कंप्लीट कर लूं और मेरे भाइयों को जल्द से जल्द इस वीडियो को अपलोड करके दिखा दूं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, हाउ टू बिकम अ डेक ऑफिसर आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए, थैंक यू। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड। 12वीं कक्षा के बाद अब मर्चेंट नेवी के अपने जो कैरियर है कैसे स्टार्ट कर पाएंगे और क्या क्या प्रोसीजर है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम एडमिशन प्रोसीजर की। एडमिशन प्रोसीजर में आती है सबसे पहले IMU CET की एग्जाम। IMU CET की एग्जाम जो है साल में दो बार कंडक्ट होती है, दिसंबर एंड जून में। तो जून में जो बैच है वो जो 12वीं कक्षा के जो अपेयर किया है वो लोग भी अपेयर कर सकते हैं जून वाले बैच के लिए, और दिसंबर वाले बैच जो है DNS के लिए है कॉमनली, और जून वाले जो बैच है वो DNS एंड BSc दोनों के लिए ही है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि आपको IMU CET की एग्ज़ाम है वो आपको अपेयर होना ही पड़ेगा। उसके बाद बात आती है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नोटिस करना है कि आपको जो है जो कोर्स है वो DG अप्रूव इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करना पड़ेगा, और इस इंस्टीट्यूट ज्वाइनिंग से पहले आप कोशिश कीजिए कि आपको स्पॉन्सरशिप कंपनी से मिल जाए। स्पॉन्सरशिप मिलने का मतलब है कि आपकी जॉब गारंटी। अब स्पॉन्सरशिप कैसे मिलेगी, आप कंपनियों की वेबसाइट में जाए, जैसे कि आपके एंग्लो की वेबसाइट है, एंग्लो ईस्टर्न एग्जीक्यूटिव शिप मैनेजमेंट, तोलानी शिप मैनेजमेंट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके वेबसाइट में जाकर चेक कीजिए कि लोग साल में कब कब आपके जो है स्पॉन्सरशिप एग्जाम कंडक्ट करते हैं। अब उसके बाद बात आती है जो आपकी CET की एग्ज़ाम, IMU CET की एग्ज़ाम। IMU मतलब वह हो गया इंडियन मेरीटाइम यूनिवर्सिटी की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो है नॉर्मली बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी हार्ड नहीं होते, ये नॉर्मली जो है आपके स्टडीज़ जो है क्लास 12 की स्टडीज़ है उसी के ऊपर पे होती है, और GK नॉलेज के ऊपर होती है। तो स्टडीज़ में नॉर्मली PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और जनरल नॉलेज है उसी के ऊपर में होती है। तो ये एग्ज़ाम जो है काफ़ी हार्ड नहीं है, ये इजीली आदमी जो पास आउट हो जाते हैं। तो इस एग्ज़ाम के बाद ही आप जो है इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल पाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी आफ्टर पासिंग 12th स्टैंडर्ड। 12वीं के बाद आप कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों कि आप किसी एजेंट के हाथ में ना पड़े, किसी फ्रॉड के एजेंट के हाथ में ना पड़े, और आप जिस इंस्टीट्यूट से कोर्स करें वो DG अप्रूव इंस्टीट्यूट ही हो। और ये इंस्टीट्यूट को चेक करने का आपका एक सही रास्ता जो है वो है नीचे जो वेबसाइट दिया गया है www.dgshipping.gov.in में जाके आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालिए। नाम डालने के बाद चेक कीजिए कि वो DG अप्रूव है कि नहीं। अगर DG अप्रूव है तो भी दोस्तों ये इंस्टीट्यूट से आप कोर्स कीजिए। अगर आपका DG अप्रूव कोई इंस्टीट्यूट ना हो तो ये आपका जो कोर्स का फीस और जो समय जो आप लगाएंगे वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट दोस्तों, आप लोग जो है DG अप्रूव इंस्टीट्यूट से ही कोर्स कीजिए। अब दूसरी बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपकी क्या क्या आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना है एज ए ऑफिसर ज्वाइनिंग के लिए, मतलब ताकि आप ऑफिसर बन पाए। तो सबसे पहले ये आपकी जो 12वीं जो कक्षा में जो आपके जो मार्क्स है वो 60% से ऊपर हो, अगर आपका 80% आया हो तो वो बहुत ही अच्छा है, बट मिनिमम जो क्राइटेरिया रखते हैं ये लोग वो है 60%, आपको जो है 60% से ऊपर की मार्क्स होना चाहिए, तो अगर तभी आप इस जो क्राइटेरिया में आपका एलिजिबिलिटी आती है, मतलब आप जो है ऑफिसर रैंक में ज्वाइन कर पाओगे। सेकेंड जो है आपका जो 60% मार्क्स है PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो है 60% होना चाहिए। थर्ड जो आती है वो इंग्लिश में आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, मतलब 50% से नीचे हो है तो आप इस क्राइटेरिया में आप नहीं आते हो।
और आपकी जो उम्र है वो 17 से 25 साल के अंदर होना चाहिए। तो आपकी जो एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर अगर क्राइटेरिया का फुलफिल नहीं करते हो तो मेरे दोस्तों आप लोग जो है ऑफिसर कैटेगरी में नहीं ज्वाइन कर पाओगे, तो फिर आप लोग जो है दूसरे कैटेगरी में ज्वाइन कर पाओगे, अपना कैरियर भी चालू कर पाओगे। बट उस कैरियर के ऊपर मैं अगला वीडियो में बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो उस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका अपडेट जो है आप लोग को आ जाए। तो ये आप दोनों ध्यान रखिएगा, ये तीन कैटेगरी है जो है आप लोग का, जो फर्स्ट थ्री कैटेगरी है वो तीन कैटेगरी आपको फुलफिल करना ही है एज ए ऑफिसर ज्वाइनिंग के लिए। मतलब आपको अगर अपना कैरियर एज ए ऑफिसर रखना है मर्चेंट नेवल लाइफ में, तो ये तीन कैटेगरी आपको फुलफिल करना है। चौथा कैटेगरी कॉमन है, सबको 25 साल के नीचे ही होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखिएगा कि आपका जो है सब में 60% से ऊपर होना चाहिए, और 50 में जो है इंग्लिश में जो है 50% से ऊपर होना चाहिए। तो अभी जो शिप में होती है वो दो डिपार्टमेंट होती है, एक तो होती है डेक डिपार्टमेंट और दूसरी होती है इंजन डिपार्टमेंट। अब हम बात करते हैं डेक डिपार्टमेंट की। तो डेक डिपार्टमेंट से पहले, सबसे पहले बात यही है कि आप जो DNA से BAC नॉटिकल्स कंप्लीट करने के बाद जो है आप ऑनबोर्ड शिप में जाते हो, किस रैंक पे जाते हो, डेक के डेटर पे रैंक पे। तो इस टाइम पे आपको जो है कंपनी स्टाइपेंड भी देती है। आपकी जो सैलरी होती है वो $300 से $700 के बीच में होती है, फ्लक्चुएट करती है और वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है। किसी कोई कंपनी 300 देती है, कोई कंपनी 350 देती है, कोई कंपनी 550 देती है। तो उसके बाद में जो रैंक है वो रैंक जो आती है वो थर्ड ऑफिसर का रैंक है, उसके बाद के रैंक है वो सेकेंड ऑफिसर का रैंक है, एंड उसके बाद की जो रैंक है वो है चीफ ऑफिसर की रैंक, एंड सबसे लास्ट में जो आती है हमारे जो जहाज के जो फुल इंचार्ज है, जिसकी कमांड होती है, वो है कैप्टन के रैंक। तो ये जो चार रैंक है अपना, थर्ड ऑफिसर, सेकेंड ऑफिसर, चीफ ऑफिसर और कैप्टन, ये चार रैंक जो है डेक ऑफिसर के रैंक आती है। और जो डेक कैडेट है वो डेक कैडेट ट्रेनी होते हैं DNS या BAC लैंड बेस्ड ट्रेनिंग करने के बाद में जो है ऑनबोर्ड ट्रेनिंग के लिए आते हैं डेक कैडेट लोग। तो ये लोग को हम लोग यही ट्रेन करते हैं, कैडेट लोग को यही ट्रेन किया जाता है कि इन फ्यूचर उन लोग को ऑफिसर में क्या क्या काम करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ से हम फैमिलियराइज कराते हैं ऑनबोर्ड, उनको पढ़ाते भी है, उनको सिखाते भी है, और उनको शिप से फैमिलियराइज भी करते हैं, ब्रिज से फैमिलियराइज करते हैं कि उन लोगों को फ्यूचर में एज ऑफिसर बनने के बाद उन लोगों को क्या क्या काम करना पड़ेगा एज ए थर्ड ऑफिसर, एज ए सेकेंड ऑफिसर, एज ए चीफ ऑफिसर, एज ए कैप्टन। तो भाई प्लीज़ आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग किसी भी इंस्टीट्यूट से कोर्स कीजिए, बट प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए कि वो इंस्टीट्यूट DG अप्रूव हो, और किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। अगर आप सब क्राइटेरिया फुलफिल करते हो आप तो नॉर्मली आपको इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल जाएगी और आप अपना कैरियर शुरू कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग यह हमेशा ध्यान रखिए कि किसी एजेंट के फ्रॉड में मत पड़िए। अब बात आती है डेक डिपार्टमेंट की। तो डेक डिपार्टमेंट से हम लोग का यही है कि दो टाइप की कोर्सेज होती है, एक तो होती है DNS जो होती है वो एक साल की कोर्स है, और उसकी कोर्स फीस जो होती है 4 से 6 लाख रुपये। और उसके बाद की बात आती है, मतलब DNS करने के बाद में आपका जो सी टाइम है वो 18 महीना होती है, मतलब लैंड बेस्ड ट्रेनिंग जो होती है वो 12 महीना 1 ईयर, और ऑन गोइंग सी टाइम जो होती है ऑन बोर्ड वो है 18 महीना। और BAC नॉटिकल की बारी आती है तो उसकी इसकी यही है कि ये जो कोर्स है वो 3 ईयर्स की कोर्स है, और इसकी कोर्स फीस थोड़ी ज़्यादा है, 8 से 12 लाख रुपये। और इसकी जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 3 साल की कोर्स ड्यूरेशन है, और ऑनबोर्ड जो ट्रेनिंग है वो है सिर्फ 12 महीना। तो इस बीच में जब भी आप ऑनबोर्ड जाएं तो प्लीज़ भाइयों अपना जो टारबुक है, टारबुक हमेशा ही ऑनबोर्ड लेके जाइएगा, और जब आपका जो सी टाइम कंप्लीट हो जाए उस टारबुक को कंप्लीट करने के बाद वो टारबुक का सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपको MMD में चाहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपेयर कर पाए। तो अगर आपका टार बुक कम्प्लीट ना हो और आपके पास टार बुक नहीं हो तो आपको जो है सेकेंड मेरिट के एग्ज़ाम के असेसमेंट में प्रॉब्लम आएगी, और आपको शायद एलिजिबिलिटी ना भी मिले सेकेंड मेरिट के एग्ज़ाम में अपेयर करने के लिए। तो प्लीज़ आप लोग ये ध्यान में रखिएगा, हमेशा जब आप ऑन बोर्ड जाइएगा तो आपके हाथ पास जो है टार बुक होना चाहिए, और वो टार बुक जो है ड्यूटी ऑफिसर, चीफ ऑफिसर से कम्प्लीट करवा के ही लेके आइएगा जब आप साइन अप करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये चीज़ को आप मिस आउट मत कीजिए, कि ये चीज़ जो है आपके सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है आपको जो है इन फ्यूचर ऑफिसर एग्ज़ाम देने के लिए। तो प्लीज़ इस चीज़ को नेगलेक्ट मत कीजिएगा। अब DNS जो है वो है एक साल की कोर्स, और उसकी कोर्स फी है 4 से 6 लाख रुपये, और उसकी सी टाइम जो मैंने पहले ही बताया था 18 महीना है। BAC नॉटिकल साइंस की जो कोर्स फी है वो 8 से 12 लाख रुपये है, और उसकी सी टाइम ड्यूरेशन जो है वो है 12 महीना।
अब बात आती है डीएनएस की प्रोसीजर। डीएनएस में आप डीएनएस कोर्स करने के बाद आपको क्या गया है, तो डीएनएस कोर्स जो है 12 महीने लैंड बेस्ड ट्रेनिंग होती है और जो है 18 महीने सी टाइम होती है। उसके बाद जो है आपको जो फंक्शन क्लास अटेंडमेंट करना पड़ेगा सी टाइम 18 महीने के बाद में, उसके बाद फंक्शन क्लासेस के बाद में आपको जो एमएमडी में रिटन और ओरल एग्जाम देना पड़ेगा, एंड रिटन एंड ओरल एग्जाम कंप्लीट करने के बाद ही आपको जो है सेकंड मेडिकल सीओसी बनेगा और आप जो है ऑन बोर्ड एज ए थर्ड ऑफिसर ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये है डीएनएस का प्रोसीजर। अब मैं बात करता हूँ आपको बीएससी का प्रोसीजर। तो बीएससी नॉटिकल साइंस में क्या क्या चाहिए, बीएससी नॉटिकल साइंस जो है 3 साल की कोर्सेज है, मतलब लैंड बेस्ड ट्रेनिंग और जो है 12 महीने सी टाइम ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो है आपका जो फंक्शन क्लासेस नहीं करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सिर्फ आपका जो है मॉड्यूलर जो कोर्सेस है वो कोर्सेस करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको एमएमडी में रिटन एंड ओरल एग्जाम देना पड़ेगा। बट डीएनएस में क्या है, आपको डीएनएस में आपको सी टाइम कंप्लीट करने के बाद में 18 महीने के बाद में 4 महीने के फंक्शन क्लास अटेंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप एमएमडी में एग्जाम के लिए मतलब एलिजिबल हो पाएंगे आपके रिटन एंड ओरल के ऊपर में। तो रिटन एंड ओरल क्लियर करने के बाद में, बट यहाँ पे जो बीएससी है, बीएससी जो है 12 महीने का सी टाइम चाहिए और यहाँ पे आपको जो है फंक्शन का क्लास नहीं अटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ आपको जो सी टाइम कंप्लीट करने के बाद में जो सीओसी से पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा कि आपका जो मॉड्यूलर कोर्सेज है वो कंप्लीट हो जाए। मॉड्यूलर कोर्सेज में क्या क्या आते हैं, जैसे बेसिक एडवांस कोर्सेज, मेडिकल फर्स्ट एड हो गया, पीएससी आरबी हो गया, आरओसी आरपा हो गया, एकडीसी हो गया, ये सब। अब बात करते हैं एमएमडी एग्जाम की। एमएमडी एग्जाम में 3 ओरल्स होते हैं। फर्स्ट पहले तो रिटन क्लियर करने पर गया, उसका तो ओरल्स। तो ओरल्स में जो 3 फंक्शन होते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। तो फंक्शन 1 जो है नेविगेशन और आरओआर के ऊपर में होता है, फंक्शन 2 कार्गो के ऊपर में होता है, फंक्शन 3 जो होता है स्टेबिलिटी के ऊपर में। अब बात करते हैं रिटन के। रिटन में आते हैं चार्ट वर्क, नेविगेशन, कार्गो वर्क, स्टेबिलिटी, ब्रिज इक्विपमेंट, मेट्रोलॉजी। ये जो है 6 पेपर जो है आपके रिटन क्लियर करने के बाद आपको ओरल क्लियर करना पड़ेगा। ओरल क्लियर करने के बाद ही आप जो है सेकंड में सीओसी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जो है मतलब जो सेकंड में सीओसी अगर आप जो है ट्रेडिंग वेसल में कर रहे हैं तो आपको अनलिमिटेड सीओसी मिलेगा, और अगर आप जो ऑफशोर वेसल में अगर सेल कर रहे हैं, ऑफशोर वेसल में सप्लाई वेसल जो है वो ऑफशोर वेसल में अगर सेल कर रहे हैं तो आपको जो है लिमिटेशन लग सकता है सीओसी में। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है ट्रेडिंग वेसल में सेल करें ताकि आपकी सीओसी में कोई लिमिटेशन ना लगे। तो यहाँ भी जो है सीओसी 2 टाइप से मिल पाएगी कि आप किस टाइप का वेसल में सेल किए। अगर ऑफशोर वेसल में सेल किया है मतलब छोटे जहाज में सेल किया है मतलब लेस देन 3000 जीआरटी तो आपको लिमिटेशन रहेगा।